स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे इस चैनल study.com ऑन यूट्यूब पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए लेसन प्लान को लेकर के, यानी अगर आप डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में हैं तो आपको 20 लेसन प्लान बनाने होंगे, जो कि कक्षा 3, 4 और 5 की क्लास से आपको लेसन प्लान तैयार करने होंगे। दोस्तों यहाँ पर हम एक छोटा सा प्रोफॉर्मा देखेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए। तो आप देख रहे हैं हमारे सामने एक प्रोफॉर्मा है जिसमें दिया है द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ सेमेस्टर के इंटर्नशिप हेतु आप क्या कुछ लेसन प्लान तैयार करेंगे, उससे संबंधित ये प्रोफॉर्मा है। तो इसमें सबसे पहले द्वितीय सेमेस्टर का दिया है जिसके बारे में हमने बात की है। इसमें से आपको 20 लेसन प्लान, यानी हिंदी के आपके 10 लेसन प्लान और आपके गणित के 10 लेसन प्लान बताए जा चुके हैं। तो अगर आप द्वितीय सेमेस्टर में हैं तो बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। बहरहाल अभी आपका तृतीय सेमेस्टर का इंटर्नशिप चल रहा है, तो उसमें क्या आप विषय देख लीजिए। इतने विषय हैं, यानी 7 विषय हैं। 7 विषय में आपकी कक्षाएं जो है 3, 4 और 5 को लेकर के लेसन प्लान बनेंगे। प्रत्येक कक्षा से एक लेसन प्लान, यानी कक्षा 1 से एक लेसन प्लान, कक्षा 4 से और कक्षा 5 से हर विषय का। जैसे विज्ञान का दिया है, विज्ञान में कक्षा 3 से आप एक लेसन प्लान बनाएंगे, कक्षा 4 से और कक्षा 5 से। इस तरह विज्ञान के आपको 3 लेसन प्लान बनाने हैं। उसके बाद दूसरा है सामाजिक अध्ययन, यानी SST से भी आपको इसी तरह कक्षा 3, 4, 5 से एक एक करके 3 लेसन प्लान बनाने हैं। मैथ्स का भी इसी तरह है, कक्षा 3, 4 और 5 से आपको 3 लेसन प्लान तैयार करने हैं। सेम ऐसे हिंदी का भी आपको 3 बनाना है, इंग्लिश के 3, संस्कृत के 3, ठीक है, और कंप्यूटर के आपको 2 लेसन प्लान बनाना है। कक्षा 4 और 5 से आप बना सकते हैं। टोटल आपको 20 लेसन प्लान बनाना है। तो दोस्तों ये था प्रोफॉर्मा आपका तृतीय सेमेस्टर इंटर्नशिप विषय के लिए। तो आप वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि हम यहाँ पर शुरू करेंगे लेसन प्लान नंबर 1 से, ठीक है। सभी कक्षाओं को लेकर हम बात करेंगे, सभी कक्षाओं के लेसन प्लान को लेकर के, यानी कक्षा 3, 4 और 5 से। इस तरह हम 20 लेसन प्लान के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी के लेसन प्लान को लेकर के, जो कि कक्षा 3 का है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो आप सबसे पहले पाठ योजना संख्या 1 डाल लीजिए क्योंकि हम यहाँ लाइन से बात करेंगे, ठीक है, 20 लेसन प्लान को लेकर के। आप विद्यालय का नाम डालेंगे, जिस भी विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में आपकी टीचिंग लगी है यहाँ पर उस प्राथमिक विद्यालय का नाम पड़ेगा। उसके बाद आप सीधे सीधे 5 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहला रहेगा कॉलम दिनांक, यानी डेट का। जिस भी डेट को आप लेसन प्लान बना रहे हैं यहाँ पर वो डेट मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद कक्षा, कक्षा 3 को लेकर बना रहे हैं तो आप कक्षा 3 यहाँ पर डाल लीजिएगा। उसके बाद चक्र, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, आप कोई भी डाल सकते हैं पीरियड अपने अकॉर्डिंग। अवधि यानी टाइम पीरियड 30-35 मिनट डिवाइड कर सकते हैं। विषय है हिंदी, ठीक है। इसमें सबसे पहले देखेंगे प्रकरण यानी टॉपिक, टॉपिक है प्रार्थना। इसमें सामान्य उद्देश्य यानी जनरल ऑब्जेक्टिव देखेंगे, छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों में शुद्ध व स्पष्ट हिंदी पढ़ने व लिखने की क्षमता का विकास करना। तीसरा है छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। चौथा है छात्रों को हिंदी भाषा के प्रति आकर्षित करना व उसके महत्व से परिचित कराना। तो दोस्तों ये थे सामान्य उद्देश्य जो कि हिंदी विषय से संबंधित होंगे, ठीक है। ये सामान्य जानकारियां बच्चों को देने के लिए सामान्य उद्देश्य बनाते हैं। साथ में आप ये डायग्राम भी लगा सकते हैं, ये चार्ट को काट करके लगाएगी, ये अपने आप बना सकते हैं छोटा मोटा डायग्राम, ठीक है। तो थोड़ा इससे क्या रहेगा, आपका लेसन प्लान थोड़ा अच्छा लगेगा और आपकी जो टीचर होंगी वो भी समझेंगी कि आपने कैसे क्या बच्चों को पढ़ाया है डायग्राम के माध्यम से भी। आगे देखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य आपके टॉपिक से रिलेटेड होंगे, टॉपिक आपका प्रार्थना है, इससे संबंधित जानकारियां यानी विशिष्ट उद्देश्य देंगे बच्चों को। इसमें आपने पहला पॉइंट बताया छात्रों को प्रार्थना कविता बताते हुए इसके महत्व के विषय में बताना। दूसरा पॉइंट है प्रार्थना का छात्र के दैनिक जीवन में उपयोग को बतलाना, ठीक है। तो ये थे विशिष्ट उद्देश्य जो कि टॉपिक से रिलेटेड थे, आगे देखेंगे। उसके बाद TLM क्या यूज कर रहे हैं, यानी सहायक सामग्री, इसमें आप बताइए। छात्रों के लिए पाठ से संबंधित चार्ट एवं मॉडल का प्रदर्शन, ठीक है। जो भी आप चार्ट या चित्र, जो भी चीजें आप यूज कर रहे हैं आप टीचिंग के समय, आप उसे यहाँ पर दिखा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमने पहले पन्ने पर एक छोटा सा डायग्राम दिखाया था, ठीक। ऐसे आप जब टॉपिक को बताएंगे तो एक कोई चार्ट वगैरह बना लीजिएगा और उसके माध्यम से बच्चों को समझा सकते हैं। तो आप सहायक सामग्री में ये सब डालिएगा।
उसके बाद पूर्व ज्ञान यानी प्री नॉलेज छात्राओं को पहले से क्या कुछ पता है। छात्र प्रार्थना के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न बनेगा। प्रस्तावना प्रश्न में आप 3 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या छात्र अध्यापिका कथन, छात्र कथन, ठीक है, या छात्रा कथन। इसमें पहला है, बच्चों हम विद्यालय आने पर सबसे पहले क्या करते हैं। छात्रों ने बताया प्रार्थना करते हैं। फिर आपने दूसरा प्रश्न किया, प्रार्थना हम किसको करते हैं। बच्चे बताएंगे प्रार्थना हम भगवान को करते हैं। इसी प्रकार हम तीसरा प्रश्न करेंगे, भगवान को प्रार्थना हम क्यों करते हैं। यह समस्यात्मक प्रश्न हुआ क्योंकि छात्राओं को या छात्रों को इसका उत्तर नहीं पता। अब यहीं से हमारा उद्देश्य कथन बनेगा। उद्देश्य कथन आपके टॉपिक से रिलेटेड होगा। इसमें आप बताएंगे, बच्चों आज हम प्रार्थना नामक कविता का विस्तार पूर्वक या विस्तृत अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ये था उद्देश्य कथन जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड हो जाएगा, यही आपका टॉपिक है। उसके बाद प्रस्तुतिकरण प्रश्न आएंगे। इसमें आपके 3 कॉलम, क्रम संख्या छात्राध्यापिका क्रिया। छात्राध्यापिका क्रिया के बाद आप बनाएंगे छात्र क्रिया। इसमें आप पहला पॉइंट डालेंगे, इसमें आप प्रार्थना के बारे में बताने जा रहे हैं। छात्राध्यापिका प्रार्थना कविता का उचित हाव भाव व लय के साथ शुद्ध उच्चारण ध्यान रखकर आदर्श वाचन करेंगे। जब ये कर रही होंगी तो छात्र इस चीज को ध्यान पूर्वक सुनेंगे। आगे देखेंगे, आगे दिया है दूसरा पॉइंट, छात्राध्यापिका किसी एक छात्र को पढ़े हुए पद्यांश को पढ़ने के लिए कहेंगी, अन्य छात्र उस छात्र का अनुकरण करेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, छात्राध्यापिका पाठ के कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगी तथा छात्रों से उच्चारण करने के लिए कहेंगी। छात्र कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे, ठीक है। कठिन शब्द देख लेते हैं, ऐसे आप डालिएगा हेडिंग कठिन शब्द निवारण। आप एक तरफ शब्द डालेंगे और दूसरी तरफ अर्थ। कठिन शब्द जैसे पहला है सरस, सरस का अर्थ है मधुर या मीठा। दूसरा है तन, तन शरीर। बाट रास्ता निर्मल स्वच्छ, माटी मिट्टी। तो ये काठिन्य शब्द निवारण थे। आगे देखेंगे बोधात्मक प्रश्न। इसमें आपने पहला प्रश्न दिया, बच्चों हम कैसे बने। बच्चों ने बताया हम सरस और सरल बने, ठीक है। फिर आपने दूसरा प्रश्न किया, हम सब आपस में क्या हैं। बच्चों ने बताया हम सब आपस में भाई बहन हैं। तो ये थे बोधात्मक प्रश्न, जो कि जब आप बच्चों को प्रस्तुतिकरण प्रश्न में पाठ को समझाएंगे तो उससे संबंधित आप प्रश्न बना के बच्चों को देंगे। आगे देखेंगे, आगे है श्यामपट कार्य यानी ब्लैक बोर्ड वर्क। इसमें आप जो भी चीजें आगे फर्स्ट पेज में मेंशन किए थे, जैसा कि आपने पहले पन्ने पे किया था, दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र अवधि, ये सब चीजें मेंशन करने के बाद आप 2 क्वेश्चन दे दीजिएगा। जैसे पहला है, बच्चों हम सब आपस में क्या हैं, हम सब आपस में भाई भाई हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, हम कैसे बने, हम सरस और सरल बने। तो ऐसे आप ब्लैक बोर्ड या श्यामपट कार्य दे दीजिएगा। उसके बाद निरीक्षण कार्य, निरीक्षण कार्य में आप लिखेंगे, जब छात्र श्यामपट कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में हल कर रहे होंगे तब छात्राध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी व आवश्यकता अनुसार सहायता करेंगी। तो ये था निरीक्षण कार्य जो कि कक्षा अध्यापिका करेंगी। उसके बाद आएगा पुनरावृत्ति प्रश्न, या जिसे आप अभ्यास कार्य भी कहते हैं, यानी रिवीजन करवाएंगे पाठ का। इसमें अभी आप क्वेश्चन दीजिएगा। प्रश्न पहला है, हमारा विचार कैसा होना चाहिए। प्रश्न दूसरा है, हम सब आपस में क्या हैं। इसी तरह प्रश्न तीसरा, हमें कैसा बनना चाहिए। तो इस प्रकार आप पाठ को पुनः दोहरवाने के लिए पुनरावृत्ति प्रश्न देंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में आएगा गृह कार्य, यानी जिसे आप होमवर्क कहते हैं। इसमें आप कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं, जैसे यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति दी है, आप किताब से कविता दे करके ऐसे ही बच्चों को रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए दे सकते हैं, और या फिर आप सही गलत भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप पहला दे दीजिए, देश की डैश, ठीक है, देश का क्या भरेंगे इसमें, क्योंकि आपने बच्चों को कविता पढ़ाई होगी तो वो आराम से इसे कर सकेंगे। तो ये था होमवर्क जिसे आप बच्चों को घर से करके लाने को देंगे। और यहाँ पर हमारा लेसन प्लान नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो आई होप दोस्तों आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल study.com को सब्सक्राइब करना ना भूले। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन प्लान के साथ, यानी लेसन प्लान नंबर 2 जो कि आपका गणित विषय से होगा, ठीक है, कक्षा 3 से। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।